शहर में सभी सियासी पार्टियां नशा मुक्त तहरीके हैं उसमें शामिल होने की बात कर रही, जो डायलॉग शुरू करने की बात कर रही, तो समाजवादी पार्टी का क्या है? हमारा अव्वल दिन से नशे के सवाल पर एकदम सीधी सी हमारी राय है कि शहर में इससे पहले मौलाना उमरान साहब, अमीनुल कादरी साहब से हमने मिला और बोला कि नशे के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जाए। तो नशे के ख़िलाफ़ तहरीक चलना चाहिए, पुलिस को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाना चाहिए। नशा जो है ये मालेगांव शहर में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसके ताल्लुक से मेरा ऐसा बोलना है कोई सियासी प्लेटफॉर्म के बजाय कोई मजहबी प्लेटफॉर्म हो या समाजी प्लेटफॉर्म हो जिस पर सबको जोड़कर बात करना चाहिए कि नशा जो है ये इस शहर को तबाह कर रहा है और ख़ास तौर से नई नस्ल को। और हम ये बात मानते हैं कि जो नशा और असिया है इससे सिर्फ वो फ़र्द वाहिद को नुकसान नहीं हो रहा, ये पूरे समाज को नुकसान पहुंचाया जाता है और उसके ताल्लुक से तहरीक सबको मिलकर चलाना चाहिए। और इसमें पहली जिम्मेदारी जो है सियासी लोगों की बाद में है, पहली जिम्मेदारी शहर की समाजी और मजहबी तंजीमों की है। और जब भी कोई समाजी और मजहबी तंजीम इस पर तहरीक चलाएंगी समाजवादी पार्टी उसके साथ में कदम बा कदम खड़ी रहेंगी। मालेगांव शहर में एक तब होगी एनडी वगैरह जो दिख रहा है इसमें जिम्मेदार पुलिस ज़्यादा है या फिर सियासी पार्टियां ऐसे कारोबार करने वालों का साथ देती, इसलिए ऐसा नहीं? देखो पहली तो जिम्मेदार पुलिस है, पुलिस को मालेगांव शहर में ये तो पता होता है कि कौन सी होटल चालू है कौन सी बंद है। पुलिस को ये नहीं समझता हूँ कि नशा और असिया कहाँ से बिक रही है, सट्टा कहाँ से चल रहा है, ये सब चीज़ पुलिस को समझती है। तो पहली और ये सारा लॉ एंड ऑर्डर और नशा और असिया पर कंट्रोल ये पहली जिम्मेदारी भी पुलिस की है, उसके बाद किसी दूसरों की है। हाँ, समाज में उसके लिए बेदारी पैदा हो ये सियासी और सामाजिक पार्टियों की जिम्मेदारी होती, मगर उस पर कंट्रोल करना ये पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस ने उस पर कंट्रोल करना चाहिए। नहीं तो ये शहर ख़ास तौर से नई नस्ल में बोला कि मैं देखता हूँ अगर 10-15 लड़के नौजवान आज और ये दिन ब दिन ये हो रहा है कि पढ़े लिखे लोगों में भी ये चीज़ें नशा और असिया का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, तो पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी पहले निभाना चाहिए। एनसीपी का जलसा परसों हो गया, जलसे में कुछ वीडियो भी दिखाए गए और बातें की गई और वहाँ पे ऐसा लोग ये बोल रहे कि भाई समाजवादी के बारे में कांग्रेस जो है थोड़ी सी सॉफ्ट नजर आए। नहीं नहीं देखो सबसे पहले तो एक बात आप ये समझ लो कि आज जो लोग फिरका परस्ती के सवाल पे बोल रहे कल वो लोग दादा भूसे के साथ थे, आज दूसरे लोग दादा भूसे के साथ हैं। मेरे पास अभी कॉरपोरेशन की एक टेंडर नोटिस है सार्वजनिक बांध काम विभाग की जिसमें 86 काम है, उन 86 कामों में 10 काम मुस्लिम हिस्सों के हैं बाकी 76 काम दूसरे हिस्सों के हैं। तो ये बात कि कौन सॉफ्ट बोल रहा है कौन हार्ड बोल रहा है ये बहुत अहम बात नहीं है। किसके ख़िलाफ़ अगर दादा भूसे के ख़िलाफ़ आज आसिफ शेख बोल रहे हैं तो जब गढ़ की यात्रा निकली, MSG कॉलेज का वाकया हुआ, 15 अगस्त को भगवा लेके आने की बात हुई, उस वक्त तो किसी ने कुछ नहीं करा और कल वो उनके दोस्त थे आज मौजूदा नुमाइंदे उनके दोस्त हैं, लेकिन कोई फिरका परस्ती के सवाल पर उनसे ये सब सवाल क्यों नहीं करता? 100 करोड़ का जब मामला आया सबसे पहले हमने बोला कि ये 100 करोड़ में फिरका परस्ती हो रही है। हम बार बार बोल रहे हैं कि फिरका परस्ती ने कई अलग अलग रूप अपने मालेगांव शहर में इख्तियार कर लिया है, यानी डेवलपमेंट के नाम पे हमारे साथ पिछले 5-7 साल से मुसलसल फिरका परस्ती हो रही है और उन फिरका परस्तों का इस्तकबाल मालेगांव शहर के सियासी लोग करने लगे। मैं तो इस पर हैरान है कि उनसे कभी ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि दादा भूसे साहेब ये 86 काम जो कॉरपोरेशन के ज़रिए निकला जिसमें 30% फंड जो है वो कॉरपोरेशन का है तो हमारे हिस्से में काम क्यों नहीं आता? मुझे बताओ 100 करोड़ के काम में इस हिस्से में दादा भूसे साहेब आके आज के नुमाइंदे के साथ उद्घाटन किए, मुश्किल से 7 करोड़ का काम दिया गया था, 40 करोड़ कॉरपोरेशन का बजट था और वो काम भी आज तक एक दो काम अगर छोड़ दूँ तो वो काम शुरू नहीं हुआ।
नदी के उस हिस्से में जाके देख लो, मुसलसल डेवलपमेंट का काम हो रहा। वो यहाँ के स्टेज पर आके बोल के गए कि मुझे उस तरफ ज़्यादा ध्यान इसलिए देना पड़ता कि उधर इलेक्शन है, तो इधर के लोग क्यों नहीं सोचते कि उनका भी इलेक्शन है। अगर वो ये नहीं सोचते तो मालेगांव शहर की आवाम तो देख रही है और सोच रही है कि आने वाले वक्त में इलेक्शन होगा। और ये सब दो यानी इनका जो तरीक़ाकार है ये बिल्कुल गैर मुनासिब है, जो आज दादा भुसे के ख़िलाफ़ बोल रहे, जिसको जब मतलब आया। सिर्फ हम ही वाहिद ऐसे हैं जिन्होंने कभी उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की, नहीं तो पर्सनल फ़ायदा उठाने के लिए मालेगांव शहर का नुकसान पिछले 5 सालों में जो इक्तदार में थे उन्होंने किया, आज जो नुमाइंदे हैं वो भी अपना पर्सनल फ़ायदा उठाने के लिए मालेगांव शहर का मुसलसल नुकसान कर रहे हैं। मौजूदा रुकन असम्बली उनके मुशीर ख़ास, उन्होंने एक बाइट में कहा कि कल की जनता दल और आज की समाजवादी NCP की बी टीम है, क्या कहेंगे यार? वो आदमी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मैं उसके खिलाफ क्या करूँ बोल के, उसकी वजह से तो हमको सियासी तौर पर फ़ायदा हो रहा। अच्छा है वो वहाँ है तो अच्छी बात है। शहर में चोरी, डकैती, नशा और रशिया की फरोख्त एक तरह कहा जाए कि मालेगांव शहर हाथ से निकलता जा रहा है, तो इसमें मुकामी नुमाइंदे MLA की कोई जिम्मेदारी नहीं है? है ना, दबदबा नहीं है शहर में। हम जो बार बार बोलते कि इस शहर में दबदबा लीडर का नहीं बचा, ये दबदबा नहीं होने की ही वजूहत हैं कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। ये हमेशा से इस शहर में जो नुमाइंदा होता है उसी के दबदबे पे सारा शहर चलता है, डिपार्टमेंट जो है उसके दबदबे पे चलता है, मगर मालेगांव शहर में नुमाइंदे का दबदबा ज़ीरो हो गया। यही वजह है कि हर चीज़ आप देखो, नशा और रसिया इतनी ज़्यादा इससे पहले कभी नहीं हुआ जितना आज है, तो कहीं ना कहीं ये तो सियासी दबदबा नहीं होना इसकी अहम वजह मैं मानता हूँ। एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पे चल रही है उसमें आप जो आसिफ शेख के साथ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और कल जो है इस बात का हवाला भी दिया है, कब की वो तस्वीर है? ये तो समझ लो कि मैं बोलूँ ना, छिछोरी हरकत है। शेख रशीद साहब का इंतकाल हुआ, उसके 4 दिन के बाद अबू आसिम आज़मी साहब का फ़ोन आया कि मैं ताज़ियती लेटर भेज रहा हूँ धुलिए में, उनका जो जिम्मेदार है पार्टी का गुड्डू, उसके ज़रिए तो तुम जाकर आसिफ शेख को ताज़ियती लेटर दे दो। तो वो ताज़ियती पैगाम अगर हम देने गए तो किसी का इंतकाल हुआ, एक शहर के लीडर थे उनका इंतकाल हुआ, हमारे लीडर ने बोला कि ताज़ियती उनको एक ख़त ले जाके मैं भेज रहा हूँ दे दो, उसको इस तरह से मनाना कि ये इनके साथ मिले हुए हैं, ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। कम से कम मौत मैयत में इस तरह की हरकत करना, इस तरह की बात करना, ये मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात है, ख़ास तौर से मुफ्ती साहब के लोगों की, कि एक सबको पता है और मिलना मिलाना, ये शहर देखा है 1999 से मुफ्ती साहब कैसे आए सियासत में, इनका चोली दामन का साथ रहा। सिर्फ 2017 जब गठबंधन हुआ उस वक्त पहली बार मुफ्ती साहब जो है वो शेख रशीद खानवादेश से गठबंधन नहीं करे, और उसकी वजह सिर्फ बुलंद इकबाल रहा जिसने मुफ्ती साहब को बोला कि गठबंधन नहीं करना, नहीं तो उस वक्त भी उनकी मर्ज़ी गठबंधन की थी। मुझे उन्होंने बाद में एक बार बोला कि पहली बार अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं 2007 से 17 के बीच में, तो मैं बोला मुफ्ती साहब हमारी तो आदत हो गई है, हम अपोजिशन में ही रहते और आने वाले इलेक्शन के लिए तुम्हारे अपोजिशन में बैठना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो वो हमेशा से उनके साथ रहे हैं। और मैं आज भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये दोनों लोग, आसिफ शेख भी और मुफ्ती साहब भी, ये मिले हुए हैं और जानबूझ के एक दूसरे को टारगेट करते, पर्सनल कोई एक दूसरे का कोई काम नहीं बिगाड़ने की कोशिश करता। आसिफ शेख कभी मुफ्ती साहब के उसमें टेंडर नहीं भरेंगे या उनके लोग नहीं भरेंगे, मुफ्ती साहब कभी उनको नहीं कोई तकलीफ़ देते। बदउनवानी के इतने सवाल गठबंधन के टाइम जो हमारे थे, जब मुफ्ती साहब MLA बने, मैंने जकात नाके से लेके हर चीज़ दिया कि CM ऑफिस में ये देखो जकात नाके की फ़ाइल हमारी फंसी हुई है, उस वक्त ये MLA थे आसिफ शेख, तो उन्होंने कहीं ना कहीं रोक के रखा है। अब आप MLA हो गए तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट CM तक हमारी रसाई नहीं है, अब आप MLA है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आज तक उन्होंने एक लेटर नहीं दिया, या मुझे कोई बता दे कि मुफ्ती साहब ने बदउनवानी के सवाल पर कोई एक लेटर दिया हो,
और उसको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की हो। कई लक्ष्य विधि ऐसी भी हुई जो वहां पर सवाल असेंबली के लिए दिया गया, मगर वो सवाल वाटर ग्रीस का हो, दिग्विजय कंपनी का हो, बाद में उसमें तोड़ी की गई, डील की गई। तो ये इस तरह से शहर को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये खुद मिले हुए हैं आपस में, एक दूसरे के खिलाफ बोलना ये सिर्फ मिले होने का नतीजा है। और सबको ये बात दोनों को समझ रही है कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी एक मजबूत प्लेटफॉर्म है, और जो हमारा पिछला 4-5 साल का काम है उस पर कहीं ना कहीं आवाम जो है हमसे जुड़ रही है। इसलिए ये दोनों छछन कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ बोल के कि हम ही आपस में एक दूसरे के ताकतवर हैं, जबकि आज मालेगांव शहर में हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई है नहीं। अगर मुफ्ती साहब की कहीं वोट बैंक है, अगर पक्के एरिए में है, तो आगरा रोड के शुमाली हिस्से में उनका कुछ नहीं है। आगरा रोड के शुमाली हिस्से में और दूसरे मुजाफात में अगर आज की राष्ट्रवादी का कुछ है तो वहाँ मुफ्ती साहब का कुछ नहीं है। हम वाहिद ऐसी पार्टी हैं जो मुजाफात से लेकर पक्के एरिए तक हमारा केडर है, हमारे लोग हैं, हमारी वोट है। और जो आज बड़ी तादाद में हमसे लोग जुड़ रहे हैं, ये दोनों को कहीं ना कहीं इस बात से डर लग रहा है कि ये आने वाले वक्त में एक मजबूती से हमारे सामने खड़े होंगे, इसलिए ये सब जानबूझ के मिली जोड़ की जा रही है। बाकी इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ मिली जोड़ है दोनों की, कि वो कैसे भी समाजवादी पार्टी जो है, हम जो हैं, हमको ये बताया जाए कि हम कभी इसकी बी टीम हो जाते, कभी उनकी बी टीम हो जाते। अरे तुम आपस में मालेगांव शहर नहीं जानता क्या कि तुम्हारी सियासत में एंट्री उन्होंने करवाई? तुम हमेशा कहाँ उनसे मिलते, क्या करते? कई ठेके ऐसे वक्त आएगा जब अवामी तौर पे कोई जलसा लेने का, तो मुझे ये भी मालूम है कि कई ठेके कई स्कूल के टीचरों को बाहर से लाने ले जाने में भी ये मिलजुल के काम किए। अभी की बात बता रहा हूँ, वो सब भी हमारे पास है, मगर जब अवामी तौर पे बात आएंगी तो मैं दोनों की बात के ये सब मामले में इनका मिलाप बराबर हो जाता, ठेके में मिलाप हो जाता, दूसरे सब जहाँ पे पैसा पर्सनल हटो मिलने की बात आती वहाँ बराबर इनका मिलाप हो जाता। सिर्फ स्टेज लगा के एक दूसरे को बुरा भला बोलना और जहाँ पैसा कमाने की बात आए वहाँ मिल जाना, पर्सनल फ़ायदा उठाना, ये दोनों हमेशा यही करते आए हैं। और ये शहर को बताते हैं कि हम ही एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि इस शहर की निहाली सोच जो ताकत से उभर रही है उसको दबाया जाए। स्टेज से भी ये कहा गया कि सिर्फ दो ही लोग हैं, बाकी सारी छोटी पार्टियों के बारे में हम कुछ नहीं आने के बारे में, यानी जानबूझ के आप दोनों को निग्लेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। हम दोनों बड़े शहर में सियासत दो ही लोगों की चलेंगे। हाँ, तो ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं, मैं बोला ना कि आवाम हमें अब निग्लेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए ये लोग मिल के ये बात कर रहे हैं। एक सियासी मुखालिफ आदमी बोलता कि लीडर वो है मालेगांव शहर में, जो तुम अगर ये मानते कि सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे सामने वो है, तो तुम ये तस्लीम कर रहे हो कि वही लीडर है तुम्हारे? जो जिनको लीडर बोल रहे वो बोलते कि वही हमारे सामने लड़ सकते, वही हमारे सामने सब कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये मिली जुली बात है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास इसके सबूत हैं कि इनके माली फ़ायदे के लिए ये कहाँ कहाँ और कब कब किस किस मामले में मिले हैं। अवामी सवाल पे ये कभी नहीं मिलते, लेकिन माली सवाल पे मिलते। और मैं बोला कि ये नज़रअंदाज हमको कर सकते, मगर मालेगांव शहर की आवाम अब हमको नज़रअंदाज नहीं करने वाली। जो हम देख रहे हैं, जो हमारी ज़मीन दिख रही है, वो कहीं ना कहीं एक ताकतवर ज़मीन होती इन लोगों को भी दिख रही है। इसलिए अब ये लोग मिलजुल के इस तरह के जश्न अभी और इलेक्शन तक करेंगे। कोई कैसे बोल सकता कि यार हमारी सिर्फ हमारा उसी से मुकाबला है? वो बोलते हैं हमारा इसी से मुकाबला है। अरे अगर तुम्हारा एक दूसरे से इतना मुकाबला है तो तुम तीसरी ताकत को तो खड़ा करने का सोचेंगे कोई भी सियासी आदमी हो। लेकिन ये इन्होंने तय करे है कि इस शहर को लूटना है, तो हम दोनों को ही रहना है, किसी तीसरे को, और ख़ास तौर से निहाल अहमद के मानने वाले या उस तरह की सोच रखने वाले को इस शहर में उभरने नहीं देना। ये दोनों की लाइन ही यही है सियासी। आपका बोलने का मतलब कि मुफ्ती इस्माइल साहब को शेख रशीद साहब ने सियासत में लाया? पूरा गांव जानता ये बात। अभी मेरा ये बोलना है कि ये दोनों मिल के काम करते, अभी भी ये लोग मिल के काम करते। पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाले हैं और कांग्रेस ने भी जो है कलाम के तौर पर, एनसीपी ने भी जो है दो टीमें तश्कील देने की बात कही है, तो समाजवादी की
पार्लियामेंट इलेक्शन में उम्मीदवार गई। अभी समाजवादी इंडिया अलायंस में, पार्लियामेंट के इंडिया अलायंस में तो है, आने वाले असम्बली महाराष्ट्र का वो आज मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा। आसिम भाई के पास मैं अभी गया था तो उन्होंने बोला कि अखिलेश यादव ने मालेगांव धुलिया सीट समाजवादी के लिए मांगी है और उन्होंने उनसे पूछा था कि मुझे एक सीट दो, तो आसिम भाई बोले थे कि मैं 2-3 सीट देता हूँ ताकि एक सीट पे तो बातचीत हो। तो अखिलेश यादव साहब बोले कि यार एक ही सीट दो, मैं पूरी ताकत से वो सीट मांगने की बात करूँगा। तो धुलिया मालेगांव की सीट पार्लियामेंट की समाजवादी के लिए मांगी गई है और कुछ लोग जो उम्मीदवारी करना चाहते वो अखिलेश यादव साहब के और अबू आसिम आजमी साहब के टच में हैं, जो उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो जो हाथ में आने के करीब है लेकिन डिक्लेयर क्यों क्या मानते हैं? ऐसा है कि देखो, हमको ना काम करने के लिए कोई ऐसा सदारत की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते तो कभी भी सदारत हमको, जब 8 तारीख को हम पार्टी में शामिल होने गए थे उस वक्त ही सदारत का लेटर तैयार था। हमने बोला कि यार नहीं, ये सदारत अभी मत दो, जो लोग हैं उनके साथ में काम करेंगे। एक जनरल उस वक्त भी बोली गई बात थी कि जनरल बॉडी जो जनता दल महाराष्ट्र में जो लोग आए हैं, कहीं ना कहीं हर जगह से कुछ ना कुछ लोग हैं, तो तुम्हारा उत्तर महाराष्ट्र डिजॉल्व किया गया, कोकण का बेल्ट डिजॉल्व किया गया, इसलिए कि ये सब जगह पर नए सिरे से काम काज हो। उसके लिए अभी 4 अलग अलग महाराष्ट्र में बैठक है, जिसमें 27 जनवरी को नासिक में जो उत्तर महाराष्ट्र की है, नागपुर में है, पूना में है, मराठवाड़ा में है, तो ये समाजवादी को महाराष्ट्र में ताकतवर बनाया जाए, इसके लिए वो बॉडी डिजॉल्व की गई। हमको काम करने के लिए सदारत की ज़रूरत नहीं है, हम काम कर रहे, जब पार्टी को लगेगा सदारत देना चाहिए या किसी को भी देना चाहिए वो दे सकती। हमने अभी तक खुद से सदारत हमको दो ये हम अगर आज बोल देंगे तो सुबह लेटर मिल जाएगा, मगर हम एक बात मानते हैं, काम करने के लिए अगर तुम ज़मीनी तौर पे काम कर रहे हो तो उसके लिए तुमको ज़रूरी नहीं है कि कोई पोस्ट मिले। कुछ लोग इतने हल्के हो गए इस शहर में कि उनको ओहदे के बगैर उनसे काम ही नहीं होता, या वो काम करना ही नहीं चाहते, सिर्फ ओहदा रखना चाहना ही उनका मकसद है। एकदम हल्के लोग हैं, सारा गांव फिरते, हर तरफ घूमते, और इतनी हल्की बात, सदारत हर चीज़ में सदारत चाहिए, यहाँ तक के मस्जिद मदरसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ सदारत की बात वो नहीं करते होंगे। ये हल्कापन है और हमने कभी सियासत में हल्कापन नहीं किया।